भाई वो बहुत से लोग मुझे ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड वीडियोस बनाने के लिए कमेंट कर रहे थे, इसलिए मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट भी डाला था जिसमें मैंने पूछा था कि मुझे अर्निंग से रिलेटेड वीडियोस बनाना चाहिए या फिर नहीं, जिसमें मेजोरिटी लोगों ने वीडियोस को बनाने के लिए वोट किया था। और मैं जानता हूं कि मेरे वीडियोस को ज्यादातर स्कूल या कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट देखते हैं, जिनको अपने पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए या फिर सेल्फ डिपेंडेंट होने के लिए पैसे का जरूरत पड़ता है, इसलिए वो पार्ट टाइम जॉब या फिर अर्निंग का कोई सोर्स चाहते हैं। लेकिन पार्ट टाइम जॉब का नाम लेते ही हमारे माइंड में बहुत से डाउट आते हैं, जैसे पार्ट टाइम जॉब करने के लिए उनके पास कोई स्पेशल डिग्री हो या फिर कोई इन्वेस्टमेंट का जरूरत पड़ेगा। और इन सब के बाद पार्ट टाइम जॉब को लेकर टाइम मैनेजमेंट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि अगर आप ऑफलाइन में कहीं पार्ट टाइम जॉब करते हैं तो आपका आने जाने में बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। इसलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको ऑनलाइन अर्निंग करने के 3 ऐसे तरीके या फिर पार्ट टाइम जॉब के बारे में बताने वाला हूं, जिसे आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग कभी भी कर सकते हैं, और इन तीनों कामों को करने के लिए आपको 1 रुपया खर्च करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। एंड लास्ट वाला सबसे इजी रहेगा आपके लिए, तो उसे मिस मत करिएगा। नंबर 1, ट्रांसक्रिप्शन जॉब। लोग ट्रांसक्रिप्शन जॉब को इस समय बहुत ही ज्यादा पसंद कर रहे हैं। इस जॉब में आपको किसी भी ऑडियो या वीडियो फाइल को सुनकर उसे टेक्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना रहता है, जो हिंदी, इंग्लिश या फिर आपके रीजन में बोले जाने वाला कोई भी लैंग्वेज हो सकता है। और इस जॉब के लिए आप रेव, ट्रांसक्राइब मी और गो ट्रांसक्रिप्ट जैसे वेबसाइट पर जा सकते हैं। और अगर आपको हिंदी लैंग्वेज का अच्छे से नॉलेज है तो आप appen.com नाम के वेबसाइट को चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि ये हिंदी लैंग्वेज के ट्रांसक्रिप्शन जॉब के लिए सबसे बेहतर वेबसाइट है। बात करें इन वेबसाइट की अर्निंग की, तो आपको ऑडियो या वीडियो फाइल को सुनकर उन्हें टेक्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने पर $15 से $20 तक का अर्निंग कर सकते हैं। और इस काम को करने के लिए आप यूट्यूबर्स को भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि यूट्यूबर्स अपने सोशल मीडिया का एंगेजमेंट और रीच बढ़ाने के लिए अपने वीडियोज में सब टाइटल या कैप्शन का यूज करते हैं। लेकिन सब टाइटल और कैप्शन में डिफरेंस होता है, जैसे एक वीडियो में जिन भी चीजों को बोला जाता है उसका वर्ड टू वर्ड विदाउट एनी चेंजेस रिटन फॉर्म कैप्शन होता है, जिससे आप ऑडियो में कुछ समझ ना पाए तो कैप्शन को रीड कर लें। साथ ही कैप्शन में कोई भी ट्रांसलेशन नहीं होता है, जैसे एक हिंदी लैंग्वेज का वीडियो तो उसका कैप्शन भी हिंदी होगा और इंग्लिश लैंग्वेज का वीडियो तो उसका कैप्शन भी इंग्लिश होगा, लेकिन वही सबटाइटल वीडियो के लैंग्वेज का ट्रांसलेटेड फॉर्म होता है, जिससे आप एक ही वीडियो को डिफरेंट लैंग्वेज के सबटाइटल से समझ सके। एक यूट्यूबर के लिए आपको इन्हीं दोनों में से किसी काम को करना रहता है, जिसमें आपको यूट्यूबर के तरफ से भेजे गए ऑडियो या वीडियो फाइल को सुनकर कैप्शन या ट्रांसलेटेड सबटाइटल के लिए टेक्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना रहता है। और इस काम को पाने के लिए आपको सबसे पहले एक अच्छा सा ईमेल लिखना है, और जिन यूट्यूबर्स को अपने वीडियो में कैप्शन या सबटाइटल का जरूरत पड़ता है उनका एक लिस्ट बनाना है और ईमेल को सभी के पास सेंड कर देना है। और स्टार्टिंग में आपको मार्केट से कम प्राइस रखना है। नंबर 2, थंबनेल डिजाइनर। दोस्तों, थंबनेल डिजाइन करना मेरे हिसाब से एक ऐसा काम है जो जल्दी खत्म नहीं होगा, और इसका पॉजिट आने वाले समय में इसका और भी तेजी से डिमांड बढ़ता जाएगा। और साथ ही अगर आप इस काम को अच्छे से करते हैं तो आपको रेगुलर काम में मिलता रहेगा अगर यूट्यूबर्स को आपका थंबनेल पसंद आता है, क्योंकि उन्हें आगे हमेशा वीडियो अपलोड करना ही रहेगा और वीडियोस के साथ थंबनेल का जरूरत तो पड़ेगा ही। थंबनेल डिजाइन करने के लिए आप कैनवा या फिर इनमें से किसी भी टूल का यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एक बिगिनर हैं तो कैनवा आपके लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि इसमें पहले से बने हुए बहुत से फ्री टेम्पलेट आपको मिल जाएंगे, जिसमें आपको अपने क्रिएटिविटी के साथ उसे और भी ज्यादा कैची और क्लिकेबल बनाना है। वैसे तो इसका पेड वर्जन भी आता है, लेकिन स्टार्टिंग में आपके इसके फ्री वर्जन से काम चल जाएगा। और आपके माइंड में डाउट जरूर आ रहा होगा कि लोग थंबनेल बनाने के लिए क्यों पैसे देंगे, क्योंकि इस काम को यूट्यूबर्स खुद ही कर सकते हैं, और ऐसा होता भी है। छोटे यूट्यूबर्स खुद से ही अपना थंबनेल डिजाइन कर लेते हैं, लेकिन बड़े यूट्यूबर्स के पास इतना टाइम नहीं होता कि अपने वीडियोस का थंबनेल खुद से बनाए। साथ ही क्रिएटिव थंबनेल वीडियो में व्यूज लाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए बड़े यूट्यूबर्स रिस्क नहीं लेना चाहते और अपने थंबनेल को थंबनेल डिजाइनर से बनवाते हैं। और एक अच्छा सा थंबनेल बनाने के लिए लोग $15 से $20 तक चार्ज करते हैं। इस काम को करने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन रहता है, जिसमें पहला कि आप फाइबर, अपवर्क जैसे फ्रीलांस वेबसाइट पर रजिस्टर करके वहां से काम ले सकते हैं, या फिर आप यूट्यूबर्स को उनका थंबनेल बनाने के लिए कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, जिसमें अगेन आपको एक अच्छा सा ईमेल लिखना और यूट्यूबर्स का लिस्ट बनाना है और एक अच्छा सा क्रिएटिव थंबनेल बनाकर अपने ईमेल के साथ सभी के पास सेंड कर देना है। नंबर 3, ऐप या वेबसाइट का टेस्टिंग और रिव्यू करना। दोस्तों, जिस तरह टेक्नोलॉजी के यूजर्स तेजी से बढ़ रहे हैं और यूजर्स के हेल्प के लिए कंपनीज बहुत सारे ऐप और वेबसाइट को डेवलप कर रही हैं, जिससे यूजर्स का प्रॉब्लम सॉल्व हो सके और कंपनीज को भी प्रॉफिट हो। लेकिन एक ऐप या वेबसाइट को डेवलप करते समय कंपनी को इस बात का ध्यान देना रहता है कि वह इजी टू यूज रहे और साथ ही कस्टमर को भी पसंद आए, साथ ही उसे यूज करते समय कस्टमर को कोई प्रॉब्लम ना हो। इसलिए आपको इंटरनेट पर बहुत से ऐसे वेबसाइट मिल जाएंगे जहाँ पर एक कंपनी अपने ऐप या वेबसाइट को टेस्टिंग के लिए लिस्ट करती है, और इन वेबसाइट में आपको नॉर्मल यूजर की तरह ऐप या वेबसाइट को यूज करना रहता है। यूज करने के बाद आपको ऐप या वेबसाइट का रिव्यू देना रहता है कि उस ऐप या वेबसाइट में कौन सी चीजें आपको अच्छी लगी और कहां पर आपको प्रॉब्लम आया, इन सभी चीजों को आपको बताना रहता है। इस काम को करने के लिए यूजर टेस्टिंग, ट्राई माई यूआई और टेस्टर वर्क जैसे वेबसाइट है जो आपको 10 से 15 मिनट के रिव्यू का $5 से $10 तक पे करते हैं। तो दोस्तों, ये तो रहा अर्निंग करने का 3 ऑनलाइन पार्ट टाइम जॉब, और ऐसे अर्निंग से रिलेटेड वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करिए, ताकि आगे भी हम ऐसे मल्टीपल वीडियोस ला सकें।